मोहम्मद और श्रेयान और आज हम करने वाले हैं स्मॉल कुकिंग स्टोव की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये अभी अभी आया है पार्सल। इसको देखिए दोस्तों, मैंने इसे खोल लिया है कैची से। तो ये है लीड बर्ड का पोर्टेबल स्टोव। तो ये मैंने और मेरे पापा ने एक्चुअली कार में रखने के लिए खरीदा है। इसको हटा देते हैं। ओके, तो ये है MA-100S। ये बहुत छोटा रहता है, तो जब कैंपिंग के लिए जाना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको खोलते हैं। देखिए ये खुल गया, बहुत ही अच्छी पैकिंग में आया है ये। ये देखिए, ये है अच्छी पैकिंग। ये देखिए दोस्तों, ये हमने खोल लिया है। इसको और अच्छे से खोल देते हैं। ऐसा पकड़ के, बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टोव है दोस्तों, बहुत ही यानी बहुत ही। अब इसको गाड़ी में भी रख के ले जा सकते हैं। एक्चुअली हमने गाड़ी में ही रख के ले जाने के लिए लिया है। चलिए इसको खोलते हैं। ये देखिए ऐसा दिखता है अंदर। ये देखिए दोस्तों, इसके कंटेंट्स क्या है। एक ये है मैनुअल है, और एक ये है हमारा पोर्टेबल स्टोव। तो चलिए अब इसको सेट करते हैं। इसको पहले खोलते हैं ऐसे कि लॉकिंग पोजीशन तक जाने तक आपको खोलना होगा इसको। उसके बाद वापस इसको लॉकिंग पोजीशन तक खोलना होगा। बहुत टाइट है पर ये, इसलिए थोड़ी ताकत लगती है। ये देखिए लॉकिंग पोजीशन तक आ गया है, और अब इसको भी लॉकिंग पोजीशन तक ले जा लेते हैं। ये देखिए, ये भी लॉकिंग पोजीशन में है, और ये भी। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसको लॉकिंग पोजीशन पे कर लिया है सबको। अब हम इसका स्टैंड खोलते हैं। चलिए अब हम इसके स्टैंड को खोलते हैं। ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये देखिए, तो अगर हम इसको ऐसे यहाँ पे रख देते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे है इसका लाइटर मेरे ख्याल से। आई गेस दैट दिस इज द लाइटर। देखिए ये यहाँ से ऐसा होगा। हमें इसमें यहाँ पे ब्रूटेन गैस भरना होगा, और फिर यहाँ से लाइटर जलाएगा उसको, और फिर इससे हमें बढ़ाना या कम करना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्टोव है। चलिए अब इसका मैनुअल देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। पोर्टेबल स्टोव, रीड एंड कंप्लाई विद ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग्स विच इज यूजिंग, कीप दिस इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्यूचर यूज। तो हमें ऐसी बॉटल लेनी होगी कुछ, ताकि हम इसे यूज कर सकें। बिफोर असेंबली चेक टू मेक श्योर द फ्लेम एडजस्टर इज टर्न्ड ऑफ। तो हमारा ऑफ ही था। और चेक द स्टोव सील गुड कंडीशन, कीप द गैस कार्ट्रिज अपराइट व्हेन फिटिंग इन द अप्लायंस केयरफुली, स्क्रू द गैस कार्ट्रिज इनटू द अप्लायंस टेकिंग केयर ऑफ टू स्क्रू नॉट। ये सब हमने पहले ही कर लिया था, इसलिए ऐसा हमें देखने की जरूरत नहीं है। क्या ऑपरेटिंग द स्टोव, बिफोर लाइटिंग द अप्लायंस बर्नर प्लेस द अप्लायंस डाउन ऑन अ एंश्योर दैट ऑल कुकिंग पोजीशन, ओपन द फ्लेम एडजस्टर फॉर टर्न, प्रेस द इग्नाइट इक्विपमेंट टिल एमिट PA साउंड, इफ कांट इग्नाइट प्लीज प्रेस फॉर एनी टाइम टिल इग्निशन, टर्न द फ्लेम एडजस्टर टू द रिक्वायर्ड फ्लेम सेटिंग, प्रॉपर फ्लेम विल अपीयर ब्लू एंड ऑरेंज व्हाइल द स्मूथली एंड जस्ट फ्रॉम लो टू हाई, आफ्टर यूजिंग टर्न द फ्लेम एडजस्टर ऑफ, वेट फॉर द स्टोव टू कूल बिफोर डिसअसेंबलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला। अगर आपने इसे लिया है तो ये मैनुअल ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको अभी पढ़ के सुना रहा हूँ जल्दी जल्दी। मेक श्योर द फ्लेम एडजस्टर इज टर्न्ड ऑफ एंड स्टोव हैज कूल्ड, फोल्ड फ्लेम एडजस्टर, नाउ टर्न द स्टोव काउंटर क्लॉक वाइज अंटिल इट रिलीजेस फ्रॉम द कैनिस्टर, सम गैस मे एस्केप व्हाइल अनस्क्रूइंग द कैनिस्टर, क्लोज द पॉट सपोर्ट्स। और ये इंफॉर्मेशन फॉर सेफ्टी भी पढ़ लीजिएगा आप। ओके, तो ये है मैनुअल।
हमें इसमें मिला था, बहुत अच्छी पैकिंग में मिला था ये। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर रिव्यू भी बना दूंगा। अभी ये तो बस अनबॉक्सिंग थी, और आज मेरे ख्याल से मैं और एक वीडियो बना सकता हूँ मैग्नेटिक होल्डर का। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय फॉर नाउ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।